हेलो गाइस, तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रॉन्स तवा मसाला। तो ये ले लिए हैं मैंने आधा किलो फ्रॉन्स, और अभी हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल दिया हमने इसमें। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और अभी हम डालेंगे इसमें ये गरम मसाला। अभी इसको हम स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरीके से अच्छे से। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आप 1 घंटे भी रखेंगे तो भी चलेगा, पर 3 से 4 घंटे के लिए जितना देर तक हम रख सकते हैं तो उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो अभी हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया है 4 से 5 मिनट। तो देखिए, इनको हमने अच्छे से मसाला लगाकर मैरिनेट कर दिया है। अभी हम 4 से 5 घंटे के लिए इसको एक बर्तन से ढक के रख देंगे, इसको ढक के रख देंगे। तो हमने फ्रॉन्स तवा मसाला बनाने के लिए ये हमने 4 प्याज एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं इस तरीके से, और ये हमने ले लिया है कोकम, और ये 4 हरी मिर्च ले ली है हमने, और ये कड़ी पत्ता ले लिया है, और ये 2 टमाटर कट कर लिए हैं, और ये हमने गावठी मसाला ले लिया है। ये महाराष्ट्र में लेडीज़ लोग घर में गरम मसाला और ये सब मिक्स करके लाल मसाला बनाते हैं ना, ये गावठी मसाला ले लिया है हमने। गैस पर तवा गरम होने के लिए रख दिया है हमने। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो वो यूज़ करें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी हम डालेंगे इसमें ऑयल तवे पे। हमने ऑयल डाल दिया है तवे पे, थोड़ा ज़्यादा सा इस तरीके से। अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें प्याज। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने प्याज डाल दिया है सारा। अभी इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। अभी हम डालेंगे कड़ी पत्ता, डाल दिया है कड़ी पत्ता, डालकर भी हम थोड़ा देर इसको पकाएंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम नमक पहले से ही फ्रॉन्स में डाल चुके हैं, तो इसमें मसाले में हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। अभी इसमें डाल देंगे हमारा प्याज, देखो गोल्डन ब्राउन अच्छा हो चुका है। तो अभी हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च, तभी डालेंगे हम इसमें ये कोकम, कोकम डाल देंगे। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप नींबू का रस या इमली का पल्प भी डाल सकते हैं,
और कोकम डालेंगे तो इसका एक अलग टेस्ट आएगा। अभी डाल दिया हमने इसमें कोकम और डाल देंगे अभी ये, और मैं टमाटर कट करके रखे हैं इसको डाल देंगे। ये हमने डाल दिए हैं टमाटर, अभी डाल देंगे हम इसमें ये गावठी मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी डाल देंगे हम इसमें प्रॉन्स, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल कर रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। तो अभी हमने डाल दी है इसमें प्रॉन्स, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें तरीके से। अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक ढक्कन से इसको ढक के थोड़ा देर पकाएंगे। तो देखिए हमारा प्रॉन्स ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, तो अभी हम इसको थोड़ा देर खुला कर लो फ्लेम में पकाएंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये कड़क हो जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा कम ही पकाना है। तरीके से ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गया है मसाला। अभी हम थोड़ा देर इसको पानी को सुखा देंगे और हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए सारा पानी इसका सूख चुका है, अभी सिर्फ इसमें ऑयल है। ये बनकर रेडी हो चुकी है तरीके से। तो गैस को हम बंद कर देंगे और थोड़ी सा इसमें धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। अभी हम अपने डिश को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, प्रॉन्स तवा मसाला। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय, सत श्री अकाल।